यह बड़ी खबर भी यहीं से है, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मालदा में जबरदस्त हिंसा हुई और पोलिंग बूथ नंबर आपको बताते हैं, पोलिंग बूथ नंबर 52-53 को लूट लिया गया। उपद्रवियों ने बैलेट बॉक्स लूट लिए। नूरपुर हाई स्कूल बूथ के बैलेट पेपर को भी फाड़ डाला। अब देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये यहां पर लोगों की भीड़ और हाथ में क्या है, ये जो तीन का कनस्टर आप देख रहे हैं ये बैलेट बॉक्स है और इसी में ठप्पा लगा के अपने मनपसंद प्रत्याशी को पर्ची डाल के इसी में कैद कर दिया जाता है और उसके बाद जब इसको खोला जाता है तो लोकतंत्र के महापर्व से प्रत्याशी निकल के आता है जो जीतता है। लेकिन यहां कोई भी ऐरा गैरा नथू गैरा बैलेट बॉक्स को लेके अपने हाथ में भाग खड़ा हुआ कोई जवान आपको यहां पर नजर आ रहा है, सीआरपीएफ का, बंगाल पुलिस का, कोई अधिकारी कुछ नहीं। अब कैसे भरोसा करेंगे आप, यहां हाथों में बैलेट बॉक्स, लोग बाग मतदान करने नहीं जा रहे, कमरे में उनको बंद कर दिया गया, किडनैप कर लिया गया और अपने मन से ठप्पे लगाए जा रहे हैं। अब क्या इस व्यवस्था पर आप भरोसा करेंगे, क्या इस तरीके से चुनाव कराने पर आप भरोसा करेंगे? हर बार पश्चिम बंगाल में ही चुनावों में ऐसा क्यों होता है? एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये एक और, चलिए एक तो हमने आपको दिखा दी बैलेट बॉक्स लूटा गया, अब पोलिंग बूथ पर हिंसा की तस्वीर देखिए। ये पोलिंग बूथ आपको नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुश्ती हुई हो, अखाड़ा बना दिया हो, सब तोड़ दिया गया, हालात खराब कर दिए गए। और ये देखिए यहां तो मैं दिखा रहे हैं वो पर्चा जिस पर स्टाम्प लगाया जाता है, यानी अपना प्रत्याशी चुना जाता है, वो सारी चीजें।